कक्षा 11वीं गणित मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को सम्मिश्र संख्याओं का भाग जो है 20 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें कुछ प्रश्नों को। तो यह है, सिद्ध कीजिए कि लॉग जेड प्लस वन का मॉडुलस है 1/p बेसिस का इज ग्रेटर देन लॉग जेड माइनस वन का मॉडुलस और इसका बेस 1/3 है। तो संतुष्ट करने वाला जेड का बिंदु पद जो है रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो लेस देन 0 होगा, ऐसा कुछ शो करना है। तो चलिए देखिए क्या चीज कह रहा है ये। इसमें लॉग दिया हुआ है, ये लॉग कितना है, ये जेड प्लस वन है और ये 1/3 इसका बेस है। ये ग्रेटर देन कितना है, लॉग है हमारा और मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन है और यहाँ बेस 1/3 है। क्योंकि बेस जो है हमारा, जरा ध्यान देना, ये बेस जो है ये 0 से छोटा है 1/3 और ये छोटा है 1 से। तो ये चीज ध्यान रखते ही लॉग जब बताएंगे और बेस जब बताएंगे तो ये बीच का चिन्ह जो है बदल जाएगा, यानी जेड प्लस वन का मॉडुलस जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन जेड माइनस वन इसका मॉडुलस। अब जेड का जो मान होता है, जेड जो होता है हम अधिकतर एक्स प्लस आई वाई के रूप में लेते हैं। तो ये भी बच्चों ध्यान रखना है, यहीं से बिंदु पर निकल के आता है। तो यहाँ रख दीजिए मॉडुलस अब कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस आई वाई और प्लस का वन मॉडुलस हो जाएगा, ये लेस देन एक्स प्लस आई वाई और माइनस का वन हो जाएगा और साथ में ये मॉडुलस रहेगा। अब इसको जरा सही कर दीजिए, ये एक्स प्लस वन हो जाएगा, प्लस का आई वाई हो गया, ये है ये लेस देन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन हो जाएगा और प्लस का आई वाई हो जाएगा इसका मॉडुलस। अब मॉडुलस निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये लेस देन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल। दोनों और वर्क कर दीजिए, दोनों और वर्ग करने पर चलिए वर्ग कर दीजिए कितना हो जाएगा, x प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा लेस देन x माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर लेकर के आएंगे हम तो ये हो जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर माइनस x माइनस वन का स्क्वायर और ये लेस देन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये क्या होगा, x प्लस वन हो जाएगा प्लस x माइनस वन हो जाएगा और दूसरे में क्या होगा, x प्लस वन माइनस x प्लस का वन हो जाएगा, ये लेस देन जीरो हो जाएगा। यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ वन से वन कट जाएगा, इधर तो 2x बच गया और यहाँ से 2 बच गया, ये लेस देन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज लेस देन जीरो और x क्या चीज है, रियल पार्ट है इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, आर ई जेड रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है हमारे पास, लेस देन जीरो है और यही हमें प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से। चलिए अगला देखते हैं, ये कुछ और दे रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जेड का जो मान होता है वो अधिकतर हम लोग क्या लेते हैं, एक्स प्लस आई वाई यानी सम्मिश्र संख्या लेकर चलते हैं, ये याद रहना चाहिए हमेशा। तो चलिए इसी को लेकर चलना होता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, लिख रखा है इन्होंने। चलिए आर्ग ले लेते हैं, आर्ग है जेड माइनस वन बटे जेड प्लस वन बराबर पाई बाई थ्री। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले आर्ग जेड को निकालना चालू करते हैं। ये क्या करेंगे, मतलब कि हम ए प्लस आई बी के रूप में क्या ले लेंगे, जेड माइनस वन और बटे में जेड प्लस वन, इसको पहले निकाल लेते हैं। तो जेड का मान कर दीजिए, जेड का मान कितना है, एक्स प्लस आई वाई है और माइनस का वन हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई और प्लस का वन हो जाएगा। ऊपर सही कर लीजिए तो एक्स माइनस वन हो जाएगा और प्लस का आई वाई हो जाएगा और नीचे क्या होगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा और प्लस का आई वाई हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसमें संयुग्म से हमें गुणा करनी होती है, तो इसका संयुग्म चला देते हैं, कॉन्जुगेट चलाते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये x प्लस वन होगा और माइनस का आई वाई हो जाएगा। इतना ही नीचे भी लेना पड़ेगा, x प्लस वन
और माइनस आई वाई। इसका फायदा क्या हुआ जरा देखते हैं फायदे के लिए। तो पहले इसकी इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वन की गुणा कर रहे हैं x प्लस वन से, ये तो ऊपर वाली गुणा होगी। फिर हमें आई वाई के साथ गुणा करनी है तो प्लस का आई वाई ले रहे हैं, तो इसके साथ ये x प्लस वन आ जाएगा और इधर से माइनस का आई वाई आ जाएगा और x माइनस वन आ जाएगा, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस का आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नीचे वाला जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, यानी x प्लस वन का स्क्वायर हो गया और माइनस क्या हो गया आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। चलिए बच्चों ध्यान रखना क्या होता है, आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है, इसका हम यूज करेंगे इसके अंदर। तो हम क्या ले रहे थे अभी तक, ए प्लस आई बी को लेना चाह रहे थे, कितना आ गया हमारा इसमें ये गुणा करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, चूंकि वन है यहाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन हो गया, और प्लस का आई वाई कॉमन ले लीजिए, प्लस का आई वाई कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा यहाँ, पहले एक्स प्लस वन बचेगा, यहाँ देखो माइनस आएगा अंदर की चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का एक्स प्लस का वन हो जाएगा, और माइनस आई स्क्वायर है इसका प्लस वन कर देंगे, अब माइनस वन मान रखेंगे तो ये वाई स्क्वायर बच जाएगा, और बर्थडे में भी कुछ ऐसे ही करना है हमें, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का टू एक्स और प्लस का वन, और माइनस आई स्क्वायर है इसको प्लस कर देगा और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा इसको सही करके लिखना है, यहाँ एक्स एक्स कट गया है तो जो बच गया उसको देखते हैं, तो ए प्लस आई बी का मान कितना आ गया, देखो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का वाई स्क्वायर हो गया और माइनस वन हो गया, और प्लस का देखो यहाँ टू बच जाएगा और वाई आई बच जाएगा, टू वाई और आई हो गया, और बचे में कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो गया है और प्लस का टू एक्स है और प्लस का वन हो गया। इसमें आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है, तो ए प्लस आई बी देखो कितना हो जाएगा, ए प्लस आई बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस वन, और बटे में ये पूरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस का वन, और यहाँ कितना हो गया है प्लस का है टू वाई और बटे में ये पूरा ही रहेगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस वन, और साथ में आई आ गया तो ए मिल गया हमारे पास, ए बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन और बटे में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स और प्लस वन, और बी का मान कितना आ गया, ये हो गया टू वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक है इतना, अब क्या करना है आर्गुमेंट के बारे में बताना है। अब यहां से देखिए आर्ग जेड प्लस जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा आर्ग ए प्लस आई बी हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए, और ये जो दिया हुआ है टेन इनवर्स बी अपॉन ए यानी कितना दिया है ये पाई बाई थ्री दिया हुआ है, ये पाई बाई थ्री दिया हुआ है, तो b अपॉन a बराबर कितना हो जाएगा b अपॉन a बराबर हो जाएगा टेन पाई बाई थ्री, b का मान दब दिए और a का मान दब दिए, b का मान कितना है, b का मान यहां से देख लीजिए बच्चों कितना है, ये है एक्स स्क्वायर नहीं टू वाई है बच्चों ध्यान से देखना, ये यहां देखो b का मान तो ये हो जाएगा टू वाई और बटे में कितना है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अगले पेज पे चलते हैं बच्चे यहाँ पे नहीं इतनी जगह बच रही है, यहां से ए का जो मान है और बी का मान दोनों मान रखने हैं हमें, तो जरा रख कर देखते हैं क्या आता है, तो बी का मान जरा ध्यान देखो ये है दिया हुआ टू वाई और अपॉन में कितना है ये एक्स स्क्वायर है प्लस का वाई स्क्वायर है प्लस का टू एक्स है प्लस वन है, और a का मान ये दिया हुआ है कितना लिखा हुआ एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस वन है, और पूरे के बटे में
ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा यहाँ से, और ये जो है टेन पाई बाई थ्री का मान जो है यानी 60 होता है, और इसका मान रूट थ्री हो जाएगा। अब जो बच गया है इसको हमें उस पर लिखना है, और लिख करके देखते हैं क्या आता है, फिर बताते हैं इसको। ये बच गया टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें इसको इधर उधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा, ये टू वाई बटे में रूट थ्री हो जाएगा। ये इधर पहुंच गया और ये इधर पहुंच गया है। अब इसको भी इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई अपॉन रूट थ्री और प्लस का वन बराबर जीरो, और यही बच्चों से निकलना था। देख लीजिए इसमें क्या सिद्ध करना था, अब देख लीजिए ये यहाँ पर ये यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वन था, यानी माइनस वन था यहाँ पे, तो ये माइनस का वन यहाँ आना था और ये माइनस वन यहाँ आ जाएगा आपका, और यही माइनस वन इस जगह पे आएगा, और अगले पेज पर भी ये माइनस वन छूट गया है तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, और इस माइनस वन की वजह से इस जगह भी माइनस वन ही रहेगा। ये माइनस वन हो गया और इस जगह भी माइनस वन हो गया, अब ये सिद्ध हो जा रहा है। तो इस तरीके से छोटी सी गलती इसको सही कर सकते हो आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है यदि जेड वन जेड टू दो समिश संख्याएं हैं और ए भी वास्तविक संख्या है, तो सिद्ध कीजिए मॉडुलस ऑफ ए जेड वन माइनस बी जेड टू का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी जेड वन प्लस ए जेड टू का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इंटू है जेड वन का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस जेड टू मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। इसको निकालने के लिए या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें जो है इसका मान एक अलग से निकाल के देख लेते हैं कि वास्तव में ये आता क्या है। तो चलो देखते हैं इसको भी हल करके। तो इसमें मान लेते हैं माना क्या है, माना जो है जेड वन इजिकल टू हो जाएगा आर वन कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन। ऐसे जेड टू जो लेंगे वो हो जाएगा आर टू हो जाएगा, और इसमें कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। पहले हम इस आर्टिकल को सॉल्व करते हैं, ये जो दिया हुआ है चलिए रख लीजिए इसमें मान। तो ए है कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए के साथ ये गुणा में आ जाएगा आर वन, आर वन हो गया, और ये कॉस थीटा वन और प्लस आई साइन थीटा वन, और माइनस का बी है तो बी ले लीजिए, तो इसके साथ आर टू आ जाएगा, और कितना हो जाएगा कॉस थीटा टू हो जाएगा प्लस का आई साइन थीटा टू हो जाएगा। चलिए अब इनको सॉल्व करना है, इसका मॉडुलस निकालना है बच्चों, और मॉडुलस का भी स्क्वायर निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका हल कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा ए आर वन कॉस थीटा वन प्लस माइनस का यहां से आ जाएगा बच्चों बी आर टू कॉस थीटा टू, और फिर प्लस का आई कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ से ए आर वन साइन थीटा वन, और माइनस का यहां से आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा बी आर टू साइन थीटा टू। इसमें रियल पार्ट हो गया, और ये कितना आ गया ए जेड वन माइनस बी जेड टू। अब इसका भी मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस ऑफ ए जेड वन माइनस बी जेड टू, मॉडुलस के साथ साथ स्क्वायर भी ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा ए आर वन कॉस थीटा वन माइनस बी आर टू कॉस थीटा टू, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसका क्या हो जाएगा ए आर वन साइन थीटा वन माइनस बी आर टू साइन थीटा टू, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर खोल लेते हैं जरा बच्चों, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर वन का स्क्वायर कॉस थीटा वन का स्क्वायर, और फिर इसके बाद बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कहीं कहीं आर टू है, कहीं कहीं आर वन है। तो यहां पर देखो बी के साथ आर टू था, ये आर टू लिखा हुआ, ठीक है। चलिए इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये
इसका स्क्वायर भी खोल रहा हूं मैं, इसका स्क्वायर पहले खोल लेते हैं, ये हो गया, और इसके बाद आ जाएगा प्लस का, बी स्क्वायर हो जाएगा, आर टू स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा टू हो जाएगा, और फिर माइनस का हो जाएगा कितना, माइनस का हो जाएगा टू ए आर वन और बी आर टू और कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू आ जाएगा। ऐसे ही इसको भी खोलना है, इसका भी आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा ए स्क्वायर आर वन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा आर टू का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा टू आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा टू आ जाएगा ए, इसमें ध्यान रखना बच्चों बी भी है साथ में लिखा हुआ, ए हो जाएगा और ये आर वन हो जाएगा बी, सॉरी ये बी वाला हटा दीजिए जरा, ये पहले लिख दिया था हमने, इसमें ए बी लिखा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो गया टू, इसका खोल रहे थे हम लोग, तो टू हो जाएगा ए आर वन और यहां से बी आर टू हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा साइन थीटा वन और साइन थीटा टू हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर आर वन का स्क्वायर, तो ले लीजिए कॉमन, क्या बच जाएगा यहां से कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, ऐसे यहां से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आर टू का स्क्वायर हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहां से कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू, ये बच गया, और माइनस का ये कॉमन आ रहा है आपका कितना टू ए बी आर वन आर टू कॉमन आ गया, क्या बचा है वो लिख लेते हैं इसमें, तो कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू और प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू बच गया। चलिए और हल करते हैं इसमें, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा आर वन स्क्वायर हो जाएगा इन टू वन हो जाएगा, प्लस का ये बी स्क्वायर हो जाएगा और आर टू का स्क्वायर हो जाएगा इन टू वन हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा टू ए बी आर वन आर टू, और ये सूत्र है हमारा किसका कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू का सूत्र है। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर हो गया आर वन स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर हो गया और आर टू का स्क्वायर हो गया माइनस का टू ए बी आर वन आर टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू आ गया। ये ध्यान रखना बच्चों ये मॉडुलस ऑफ ए जेड वन माइनस बी जेड टू का स्क्वायर आ गया। अब क्या है अगर हमने इसको पलटा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे बी जेड वन है और प्लस का ए जेड टू है, तो उसी के अनुरूप यहाँ पे सूत्र आएगा, तो हम इसी सूत्र का यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पहले मैंने इसको करके दिखा दिया है, अब आपको इसको लगाना है सूत्र में, चलो उसको सूत्र को लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं मैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, ये है आपका मॉडुलस ऑफ ए जेड वन माइनस बी जेड टू का स्क्वायर है, और प्लस का ये है, प्लस का ये आपका है कितना मॉडुलस ऑफ बी जेड वन प्लस ए जेड टू का स्क्वायर। चलिए दोनों मान रखने हैं, तो सबसे पहले हम इसको रखना चाह रहे हैं, इसका मैंने पीछे निकाल करके दिखाया था जेड वन जेड टू ले चुका था पहले ही, तो कितना आया था एक बार और देख लीजिए क्या है सूत्र, ये ए स्क्वायर आर वन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर आर टू स्क्वायर, चलो इसके अनुसार लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर वन स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आर टू स्क्वायर, और यहां पे माइनस आया है टू ए बी आर वन आर टू, और कॉस कितना था थीटा वन माइनस थीटा टू था, ध्यान रखना ऐसे ये प्लस का है तो बीच में यहाँ प्लस आ जाएगा बस, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, तो प्लस यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ बी जेड वन है तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर आर वन का स्क्वायर, और प्लस का ए स्क्वायर आर टू का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा टू ए बी आर वन आर टू, और कॉस चूंकि यहाँ प्लस है बच्चों की यहाँ ध्यान रखना प्लस आ जाएगा, ये कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म फेस से कर जाना है, जो बचेगा उसको लिख जाना है, तो ए स्क्वायर आर वन हो गया प्लस का
बी स्क्वायर आर टू स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर आर वन हो गया प्लस का ए स्क्वायर आर टू का स्क्वायर हो गया। चलिए ए स्क्वायर स्क्वायर एक जगह ले लीजिए तो ए स्क्वायर आर वन स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर आर टू स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर आर वन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर आर टू का स्क्वायर है। ये दोनों है स्क्वायर आपका, यहां से क्या कॉमन आ गया ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर हो गया। यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर हो गया। अब ये आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, दूसरे में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यही बच्चों ध्यान से देखो क्या है यहाँ पर, अगर मॉडुलस ऑफ जेड वन लिया जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड वन लेंगे तो क्या निकल के आएगा बच्चों, ये तो आर वन का स्क्वायर आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ जेड वन मतलब का क्या हो गया, ये आर वन का इसका स्क्वायर लेंगे तो आर वन का स्क्वायर हो जाएगा, और मॉडुलस ऑफ जेड टू लेंगे इसका स्क्वायर तो ये आर टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को शुरू में लिख दीजिए और इस आर वन की जगह क्या लिखना है ये मॉडुलस ऑफ जेड वन स्क्वायर और इस आर टू की जगह मॉडुलस ऑफ जेड टू स्क्वायर, ये आपका सिद्ध हो गया। यही आपकी क्या चीज है राइट हैंड साइड है और ये यहीं पे सिद्ध होती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये एक और प्रश्न दिया हुआ है, यदि वन प्लस आई वन प्लस टू आई वन प्लस थ्री आई ये चलता हुआ वन प्लस एन आई तक है और ये एक्स प्लस आई वाई है तो सिद्ध कीजिए टू इंटू फाइव इंटू टेन इंटू डॉट और वन प्लस एन स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। चलिए लिखना चालू करते हैं इसको। वन प्लस आई है टू, वन प्लस टू आई है, ये है वन प्लस टू आई और ये वन प्लस थ्री आई है और टेड टेड करके कितना है ये वन प्लस एन आई है और ये कितना है x प्लस आई वाई है। दोनों और मॉडुलस ले लीजिए बच्चों, तो ये मॉडुलस ले लिया हमने तो ये वन प्लस आई हो गया, वन प्लस टू आई हो गया, वन प्लस थ्री आई हो गया, डेड डेस्ट करके कितना हो जाएगा वन प्लस एन आई हो जाएगा और ये मॉडुलस बंद हो गया। यहाँ मॉडुलस आ जाएगा x प्लस आई वाई। अब ये मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा यानी कि मॉडुलस ऑफ वन प्लस आई हो जाएगा फिर मॉडुलस ऑफ वन प्लस टू आई हो जाएगा फिर मॉडुलस ऑफ वन प्लस थ्री आई हो जाएगा फिर मॉडुलस ऑफ चलता रहेगा और यहाँ मॉडुलस ऑफ वन प्लस एन आई हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा ये मॉडुलस तो ये दिया हुआ ही है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई। अब इनके मॉडुलस निकाल लेते हैं, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, फिर इसका कितना हो जाएगा ये अंडर रूट हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन चलेगा और लास्ट में कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए कितना हो जाएगा ये तो ये वन और वन को जोड़ भी दीजिए कितना हो जाएगा ये अंडर रूट हो जाएगा वन प्लस वन हो जाएगा। वर्ग कर रहे हैं बच्चों अंडर रूट हो जाएगा अब ये तो ये कितना आ जाएगा बच्चों देखो ध्यान से ये वन प्लस ये वन प्लस वन हो जाएगा, यहां पे देखिए वन प्लस फोर हो जाएगा और इधर देखिए ये हो जाएगा वन प्लस नाइन और चलते हुए कितना हो जाएगा यहाँ वन प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इनको हल करके देखते हैं, ये तो टू हो गया इंटू ये कितना हो गया फाइव हो गया और इंटू ये टेन हो गया और ये डेड डेस्ट चलता रहेगा और यहाँ वन प्लस एन स्क्वायर हो गया और बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बच्चों यहीं पे यही सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो चुका है तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न एक और है हमारे पास, यदि x प्लस आई वाई बराबर है तीन बटे वन प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो ये सिद्ध करना है x माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो।
तो सबसे पहले हम लेना है एक्स प्लस आई वाई, इनको एक्स और वाई के मान निकालने पड़ेंगे। बराबर कितना है, तीन बटे ये है दो प्लस कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। तो बच्चों इसमें क्या करना है, हमें सही में से गुणा कर दिए, तो यही गुणा कर देते हैं बच्चों। देखो कैसे करते हैं, हर के सही में चलाते हैं, वन प्लस इन टू प्लस कॉस थीटा है, माइनस का आई साइन थीटा हो जाएगा। आई वाले का ही चिन्ह बदलते हैं हमेशा, टू प्लस कॉस थीटा हो गया और माइनस का आई साइन थीटा हो गया। बराबर कितना हो जाएगा ये, अब ये हो गया थ्री और यहाँ कितना आ गया, ये हो गया टू प्लस कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा, और बटे में कितना हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और माइनस का ये आई स्क्वायर हो गया और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये अंदर गुणा कर दीजिए इसकी, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री की दो से गुणा करेंगे सिक्स आएगा बच्चों, इसको पहले सिक्स लिख दीजिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ सिक्स हो गया और प्लस का थ्री कॉस थीटा और माइनस का आ जाएगा ये थ्री आई साइन थीटा। फिर आप बटे में देखते हैं क्या बच रहा है, ये बच रहा है टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको खोल दीजिए कितना आ जाएगा ये फोर आ जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का फोर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का कितना है आई स्क्वायर है, इसका मान प्लस का वन कर देगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए कितना आ गया देखते हैं इसको, ये तो आ गया आपका सिक्स प्लस थ्री कॉस थीटा और माइनस का है थ्री आई साइन थीटा, और बटे में जो आ गया ध्यान से देखिए, यहाँ तो फोर है और प्लस का ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, एक जगह लिख लीजिए, और प्लस का वन और है प्लस का फोर कॉस थीटा और है मौजूद। अब ये आ जाएगा आपका सिक्स प्लस का थ्री कॉस थीटा माइनस का है थ्री आई साइन थीटा है, और बटे में क्या बच गया, ये तो फोर और वन फाइव हो गया और ये भी वन हो जाएगा, यानी कि फाइव प्लस वन और प्लस का फोर कॉस थीटा, इसको और सही करना था, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा सिक्स प्लस थ्री कॉस थीटा माइनस का थ्री आई साइन थीटा, और बटे में देखिए कितना आ गया, बटे में आ गया फाइव और वन सिक्स हो गया, तो सिक्स प्लस फोर कॉस थीटा। चलिए आगे देखते हैं, जरा यहाँ पर बच्चों वन जो था ये इंटू में था साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाना था इसके साथ केवल, तो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया तो इसलिए वन प्लस का गलती से लिखा गया, तो यहाँ पर फाइव प्लस फोर कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी फाइव प्लस फोर कॉस थीटा हो जाएगा, फाइव प्लस फोर कॉस थीटा हो गया। अब इसमें वास्तविक और काल्पनिक मानों की तुलना करने पर है, ठीक है, दोनों ओर दोनों ओर वास्तविक और काल्पनिक मानों की तुलना करने पर। चलिए तुलना करके देख लेते हैं x का मान कितना आ गया, x बराबर जाएगा इसमें 6 प्लस 3 cos थीटा और बटे में कितना हो गया 5 प्लस 4 cos थीटा, और y के मान में देखिए ये माइनस का आ जाएगा, माइनस है 3 sin थीटा है और बटे में कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए x माइनस वन है और ये x माइनस थ्री है, इसी में मान रखना है, तो ये x माइनस थ्री ले रहा हूं मैं और x माइनस वन है बच्चों, ध्यान से देखना, ये x माइनस वन है और दूसरा है x माइनस थ्री, इसको हम हल करना चालू करेंगे। देखो x का मान ये दिया हुआ है तो सिक्स प्लस थ्री कॉस थीटा है और बटे में है फाइव प्लस फोर कॉस थीटा, इसमें माइनस वन लेना है और दूसरे में है ये सिक्स प्लस थ्री कॉस थीटा, अब बटे में कितना है फाइव प्लस फोर कॉस थीटा,
और ये माइनस का कितना है, 3 है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, जरा कितना आता है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो यही रहेगा 5 प्लस कॉस थीटा, ऊपर देखो क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 कॉस थीटा है, और ये माइनस का आ जाएगा 5 और माइनस का 4 कॉस थीटा हो जाएगा, और बटे में कितना बच गया है 5 प्लस 4 कॉस थीटा, इसमें ऐसे ही बचेगा। यहाँ और देखना पड़ेगा यहाँ क्या बचता है, तो यहाँ बच जाएगा 6 प्लस 3 कॉस थीटा है, और यहाँ माइनस का 5 या 15 हो जाएगा, और माइनस का 4 या 12 और कॉस थीटा आ जाएगा, और बटे में कितना है बच्चों, ये है 5 प्लस 4 कॉस थीटा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, और हम इसको कितना आएगा ध्यान से देखो, तो 6 है, 6 में से 5 गया तो 1 बच जाएगा, और यहाँ 3 है और ये माइनस का 4 है, यहाँ से भी 1 बच जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा, बटे में कितना बचा है 5 प्लस 4 कॉस थीटा। यहाँ से देखिए क्या बच रहा है माइनस का, माइनस का 1 तो ये 9 बच जाएगा, माइनस का 9 बच गया, और देखो कितना है ये है 3 है और ये 12 है, तो ये माइनस का ही 9 बच जाएगा, तो माइनस का 9 हो गया और कॉस थीटा हो गया, और बटे में कितना है 5 प्लस 4 कॉस थीटा है। इसका माइनस 9 बाहर ले लीजिए, तो माइनस का 9 बाहर ले लिया, क्या बच जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, और कितना बच गया ये बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, और बटे में कितना है ये 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला बच्चों, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ लिख रहा हूँ जरा मैं, माइनस का 9 हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में हो जाएगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया माइनस का 9 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना आ गया, बटे में आ गया 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये बच्चों वास्तव में ये वाई स्क्वायर का ही मान है, देखो यहाँ से ये वाई स्क्वायर कर देंगे तो ये मान आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 9 भी साथ में हो जाएगा, तो ये कुल निकल करके माइनस का वाई स्क्वायर आ गया। तो ध्यान रखना ये इधर जा करके प्लस का हो जाएगा, यानी क्या निकल के आया था यहाँ पे, एक्स माइनस 1 आया था यहाँ पे और एक्स माइनस 3 आया था, तो इसमें क्या निकल के आ गया देखो सॉल्व करके इधर, तो इसको इधर ले आइए, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स माइनस 1 और x माइनस 3 है और प्लस का ये y स्क्वायर हो गया और बराबर 0 हो गया, और यही हमें सिद्ध करना है। तो ध्यान रखना ये भी सिद्ध कर सकते हैं आसानी से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये एक और दिया हुआ है, यदि आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए फॉर्मूला ऑफ जेड बराबर 1 होगा। तो सबसे पहले आई जेड क्यूब है और प्लस का जेड स्क्वायर है और माइनस का जेड है और प्लस का आई है बराबर 0 हो गया। अब ये आई जो है आपका बटे में आया है, इसको इधर ले आते हैं जरा हम लोग, तो बटे में जाकर के क्या होता देखते हैं। तो जेड क्यूब हो गया यहाँ पे और प्लस का 1 अपॉन आई हो जाएगा जेड स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन आई हो जाएगा जेड और प्लस का आई अपॉन आई हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो ये वास्तव में 1 अपॉन आई ये जेड क्यूब है, तो प्लस का कितना हो जाएगा, इसको आई अपॉन आई स्क्वायर कर दीजिए जेड स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का इसको भी आई अपॉन आई स्क्वायर कर दीजिए जेड और ये प्लस का 1 हो गया बराबर 0। लेकिन ध्यान रखना बच्चों क्योंकि आई स्क्वायर का मान माइनस 1 होगा तो माइनस 1 रख देंगे, तो जेड क्यूब माइनस का आई जेड स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर कितना है ये आई स्क्वायर मान माइनस हो जाएगा तो प्लस का आई जेड हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। ये जेड क्यूब है, माइनस का आई जेड स्क्वायर है, प्लस का आई जेड है, इसको हम माइनस आई स्क्वायर ले सकते हैं, तो माइनस आई स्क्वायर का मान माइनस 1 रखेंगे तो प्लस 1 बन जाएगा। ये फैक्टर करने के लिए करते हैं, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जेड माइनस आई बच जाएगा और प्लस का यहाँ से आई कॉमन लेंगे तो ये जेड माइनस आई बच जाएगा बराबर 0। तो जेड माइनस आई हो जाएगा और यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस आई हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा।
अब इसमें ध्यान से देखिए तो हम ये पहले एक लेके चलते हैं, तो जेड माइनस आई बराबर जीरो, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, और जेड का मान आपको पता ही है क्या होता है। अब मॉडुलस ऑफ जेड निकाल देते हैं, तो मॉडुलस ऑफ जेड जो है वास्तव में ये अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ जेड का मान वन आ गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए वही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो चुका है वैसे तो, लेकिन दूसरे वाले पार्ट्स को भी देख लेते हैं। ये है जेड स्क्वायर प्लस आई बराबर जीरो है, तो जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का आई, और इसका मॉडुलस लेंगे मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस अंडर रूट हो जाएगा, ये माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा वन आपका, और मॉडुलस ऑफ जेड का मान भी फिर वन ही आ जाएगा। ये तो ये आपका यहाँ से भी सिद्ध हो जाता है, तो आप दोनों तरीके से इसको सिद्ध कर देते हैं, कर सकते हैं बच्चों। आज मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, बस फिर मिलता हूँ नेक्स्ट उसमें। तो अब तक नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे कि ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। बच्चों छुट्टियां पड़ गई हैं, तो मेरे ख्याल से आप घर में अकेले बैठे रहोगे, तो इन वीडियो को देख करके आप लोग कर सकते हो आसानी से। मैं सारे प्रश्नों के उत्तर लगातार भेजता रहूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आरएस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।